दिल्ली पुलिस ने ठग गिरोह का किया पर्दाफाश, दो नाइजीरियन समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार। सैकड़ों लोगों को लगा चुके हैं लाखों का चूना। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने बीती रात सीलमपुर की एक दुकान से कई तरह के ऐसे इंजेक्शनों की खेप पकड़ी है जो दिल्ली के युवाओं की रगों में लगातार नशे की लत को बढ़ावा दे रही थी। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार हुआ है। पिछले दो साल से अपने आप को सीबीआई में एसीपी बताकर सबको धमकाता था। यहां तक कि मुखर्जी नगर थाने के कई सिपाही और हेड कांस्टेबल को भी नौकरी से सस्पेंड कराने की दे चुका था धमकी। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों और पुलिस के बीच हंगामा। एक गाड़ी के कांवड़ियों से टकराने पर हुआ हंगामा। गाड़ी सवार युवक गाड़ी लेकर हुआ फरार। गुस्साए कांवड़ियों ने की पुलिसकर्मी की पिटाई। अधिकारियों के पहुंचने पर शांत हुआ मामला। नोएडा के सेक्टर 45 सदरपुर गांव में नाबालिग बच्ची से रेप। बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली के मंडवाली इलाके में 9वीं की नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया रेप। आरोपी मौके से फरार। दिल्ली के कांझावाला में साइड न देने पर कार सवार युवकों ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी गोली। फायरिंग में बड़े भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक रिट्स कार से जा रहे लगभग 25 साल के युवक पर दर्जन भर गोलियों से हमला कर दिया। बदमाश युवक की हत्या करके फरार हो गए। मृतक युवक की पहचान विकास उर्फ विक्की के रूप में हुई है। ग्रेटर नोएडा में एक दोस्त ने महज कार के लालच में अपने दोस्त की हत्या कर दी। कैब चालक का अपहरण कर उसकी कार को लूटने के उद्देश्य से उसके दोस्त ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कार में ही कैब चालक की क्लिच के तार से गला काट कर हत्या कर दी। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 45 में लगे साप्ताहिक बाजार में एक डॉगी के भौंकने से परेशान एक ट्रैफिक मार्शल ने भीड़ के सामने एक कुत्ते को पैर से कुचल कर मार डाला। इस घिनौनी करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। कोतवाली सेक्टर 39 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली के द्वारका राजापुरी मेन रोड इलाके में चलती हुई एक मारुति SX4 कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं गनीमत रही कि कार में एक सवार एक परिवार समय रहते ही कार से बाहर निकल गया। किसानों की मांगों को लेकर मंदसौर से शुरू हुई यात्रा कई राज्यों से होते हुई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। इनकी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही इनकी फसल का उचित दाम दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अपनी 5वीं और आखिरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत दाखिले भी शुरू हो चुके हैं। 5वीं लिस्ट के आधार पर करीब 14% सीटें ही भरी जानी हैं।